आर्टिस्ट भाई के जैसा आप लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं हम स्मूथ अपने फेस को कर पाते हैं, वो भी फुल एचडी गोरा, फुल एचडी हाई क्वालिटी एंड फोटो एडिटिंग। सो जाना आप लोग सही थंबनेल पे आ चुके। अगर आप लोग को फेस स्मूथ का राज जानना है मेरा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं कभी पहले वीडियो में सिखाया नहीं हूँ फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस स्मूथ हम कैसे करते हैं। तो जिस जिस भाई को सीखना होगा, जिस जिस भाई को फुल एचडी हाई क्वालिटी का मास्टर बनना है मेरे जैसा फुल एचडी, वही आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिएगा, अन्यथा प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को छोड़ करके चले जाइए। वीडियो को लाइक नहीं फटाफट लाइक, एंड बहुत ही कम टाइम में न्यू ट्रिक सिखाए हैं हम फेस को कैसे अपने स्मूथ करते हैं, एंड ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग भी फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ करना सीख जाएंगे। तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सो जान, लाइफ में आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं कि हम भी आर्टिक्स भाई का वीडियो देख करके, फोटो एडिटिंग वाला वीडियो देख करके, हम भी अपने फेस को कुछ इस तरीके से फुल एचडी हाई क्वालिटी गोरा कर सकते हैं, एन आर्टिस्ट भाई के जैसा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ कर सकते हैं। कितना भी ज़्यादा हम लोग का डार्क फेस ब्लैक रहे, तो हम लोग आर्टिस्ट भाई का वीडियो देख करके कुछ इस तरीके से फुल एचडी हाई क्वालिटी गोरा एंड स्मूथ कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिस जिस भाई को सीखना होगा वही सिर्फ आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो चलिए जान, आप लोग को सिखाएंगे फेस स्मूथ एंड फेस को कैसे वाइट करते हैं। तो चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ओपन कर लेना होगा स्नैपशीट, ठीक है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं, एंड एक एक स्टेप के बारे में सिखाएंगे, कोई भी फेक नहीं सिखाएंगे, जो भी सिखाएंगे वर्क करेगा आप लोग के फोटो के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से स्नैपशीट ओपन हो चुका है एंड हम लोग शेयर कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या देखना रहता है, कितना ज़्यादा आप लोग का फेस डार्क ब्लैक है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारा फेस मीडियम है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टूल्स वाला आइकन पर आ जाएंगे, एंड टूल्स वाला आइकन पे आने में सिंपली आप देखिए ब्रश वाला आइकन होगा, ठीक है। ऊपर देखिए ब्रश वाला आइकन रहता है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एंड फिर से मैं आप लोग को एक बार और दिखाता हूँ, एक एक स्टेप के बारे में सिखाएंगे, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे 110%। तो ब्रश वाला आइकन पर आ जाएंगे, एंड यहाँ से आप लोग एक्सपोजर एंड 0.7 करके, ठीक है, नीचे देखिए 0.7 शो कर रहा है, ठीक है ना। तो 0.7 करके कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे हम लोग एंड आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही शानदार ना वन क्लिक में हल्का फुल्का गोरा हो जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा लाइट नहीं आएगा एंड लुक नहीं आएगा जो आर्टिस्ट भाई के फोटो में रहता है। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे ब्रश को अप्लाई किया हूँ, एंड इतना का ना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। सो जान, इतना का ना सिंपली अब आप लोग को क्या करना है, फिर से पेंसिल आइकन पर आ जाना होगा, ठीक है, टूल्स वाला आइकन पर, एंड ऊपर यहाँ से ट्यून इमेज होगा, ठीक है, ट्यून इमेज, उस पर आप लोग को चले जाना होगा एंड सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना है। तो मैक्सिमम ऊपर फोकस कीजिए, यहाँ पे 43 नहीं 45 हम किए हैं, एंड इसका, ठीक है ना, इसका सेचुरेशन 45 करने बाद सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। एंड फिर से आप लोग को आ जाना होगा टूल्स वाला आइकन पे, फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे देखिए एक ब्लैक एंड वाइट होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को देखिए यहाँ पर मिल जाएगा ब्लैक एंड वाइट, तो सिंपली यहाँ मिल गया, ठीक है, नीचे यहाँ पर है, तो ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम लोग ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ नीचे देखिए डार्क होगा एक ऑप्शन, ठीक है, डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम लोग डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग को डन कर लेना होगा। एंड दोस्तों, डन करने में सिंपली अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर शेयर के बगल में एक एरो का निशान रहता है, उस पर आप लोग को चले जाना होगा एंड व्यू डिस्क पे चले जाना होगा। सो दोस्तों, व्यू डिस्क पे आने में सिंपली ब्लैक एंड वाइट को सेलेक्ट कर लेना होगा, एंड सिंपली बीच में होगा ब्रश वाला आइकन, उस पर आप लोग चले जाइएगा एंड कुछ इस तरीके से सिर्फ ना आप लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर ही अप्लाई कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग को देखना है तो यहाँ नीचे एक आई वाला ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके फोटो को जूम करके एंड यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से अगर मान लीजिए आप लोग के फेस के ऊपर आ जाता है, देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर आप लोग यहाँ से 100 करके फेस के ऊपर आ गया गलती से भी, तो यहाँ से नीचे देखिए 0 करके, ठीक है, नीचे होगा, यहाँ पर एक बार फिर से दिखाते हैं, आप लोग फोकस कीजिए एंड यहाँ पर होगा नीचे, ठीक है, इसको 0 करके एंड फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना जान। वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो 100% बहुत ज़्यादा पछताएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यहाँ से हम लोग 100 कर लेते हैं एंड उसके बाद सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड के ऊपर ही अप्लाई करेंगे ब्रश को, ठीक है ना जान। इतना बहुत ज़्यादा आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा आशा करते मेरे जान, ठीक है ना। तो वीडियो अगर मान लीजिए फोटो एडिटिंग सीखना है तो हल्का सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, और आज तो संडे भाई, आप लोग के पास पूरा भरपूर टाइम है, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा बनाया एंड बहुत ही धांसू एडिटिंग सिखाऊंगा, एंड ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं है, बस आप लोग की समझदारी है कितना जल्दी आप लोग समझेंगे फोटो एडिटिंग फेस स्मूथ बनाना। तो वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा 100% पछताएंगे, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा एंड इतना करने में सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है, एंड डन करना, फिर से हम लोग बैक आ जाएंगे, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर, एंड इतना हो गया ना, इतना होने में फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव होगा, ठीक है,
सेलेक्टिवेशन पे चले जाएंगे एंड हल्का सा आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोग ब्राइटनेस को अप्लाई करके एंड देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर एंड इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग पछताएंगे, क्योंकि यार इस पर रियल सिखाएगा फेस इसको स्मूथ कैसे करते हैं एंड फेस को कैसे हम गोरा करते हैं एंड फुल एचडी हाई क्वालिटी। सो दोस्तों फोटो को हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड शेयर करना सिंपली आप लोग लाइट वाला सन पे आ जाना होगा एंड ब्लैक को हल्का सा कम कर लेना 25 एंड व्हाइट्स को हल्का सा बढ़ा लेना होगा तो 18 एंड शेडो को भी हल्का सा बढ़ा लेना होगा तो 32। इतना करना सिंपली आप लोग इस वाला सन पे आ जाएगा मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन पे क्लिक करके इसका सेचुएशन 100-, ठीक है। एंड ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका भी सेचुएशन 100-, एंड सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन होगा उसका सेचुएशन हल्का सा माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 62 किए हैं, ठीक है। एंड लिमिनस को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड फिर से आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाएगा लिमिनस को बढ़ा लीजिएगा एंड ह्यू का हल्का सा नहीं आप लोग 100- ही कर दीजिएगा, ठीक है। 100- ह्यू को इतना करना सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से फोकस कीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को आ जाना होगा यहाँ पे देखिए इस वाला ऑप्शन पे। सो दोस्तों इस वाला ऑप्शन पे आना सिंपली क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि फोटो में आप लोग की क्वालिटी आ जाए एंड टेक्सचर को भी बढ़ा लेना होगा, डिजीज को भी हल्का से बढ़ा लेना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 8, 10, 14 है, ठीक है। डिजीज 8 है एंड क्लियरिटी 14 है एंड टेक्सचर 10 है, ठीक है। एंड इतना करना ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों जैसे हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर किए हैं तो हम लोग अपने फेस को बहुत ज़्यादा गोरा कर चुके हैं एंड आप लोग भी आशा करते कर लिए होंगे। मेरा वीडियो अगर आप लोग रोक रोक करके देखेंगे एंड एक फ़ोन में एडिटिंग करेंगे एक फ़ोन में वीडियो को मेरा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हद तक आप लोग को वीडियो मेरा समझ में आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे। सो दोस्तों शेयर करने का सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर देखिए एक पेंसिल आइकन रहता है, ठीक है ना जान, पेंसिल आइकन पे चले जाना होगा एंड यहाँ पे बहुत सारा ब्रश है एंड बहुत सारा मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारा ब्रश रहता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना जान, क्योंकि आर्डेक्स भाई है मेरी जान रियल एडिटिंग सिखाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन साइड वाला दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं धांसू वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर बहुत सारा ब्रश है एंड बहुत सारा ब्रश रहता है तो आप लोग इसी ब्रश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि आर्टिस्ट भाई कौन सा ब्रश यूज करता है कौन सा ब्रश नहीं यूज करता है, ठीक है जान। तो ये देखिए मैं सबका ब्रश ना जो भी ब्रश है सब ब्रश का एक काम अलग है, ठीक है ना। तो आप लोग को कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर ये वाला हम लोग का जो ब्रश है ये मेन है, ठीक है ना जान। तो सिंपली इसी में से एक हम प्यारा सा ब्रश अप्लाई करेंगे जो आप लोग को बताएंगे वीडियो में ब्रश का क्या नाम है। तो सिंपली ये वाला ब्रश आप लोग बहुत ज़्यादा यूज किए होंगे एंड मैं भी यूज किया हूँ, लेकिन इसको यूज का मतलब करने का सेटिंग आप लोग को नहीं पता है, मुझे पता है 100% आप लोग नहीं जानते, ठीक है जान। तो ये ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेटिंग वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एरो का निशान जा रहा है ना, वहीं पे सिर्फ आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे हम लोग सेटिंग वाला ऑप्शन पर आए हैं तो एक बार फिर से दिखाते हैं, सेटिंग वाला ऑप्शन पर आ गए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। साइज आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा एंड स्टेंथ हम लोग का 35 है एंड फॉलो 4 है यानी मतलब 4 है। तो फॉलो को हल्का सा हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हम लोग के ना फोटो में जो क्वालिटी आता है स्मूथ करने पे कुछ अलग ही मजा देते हैं एक अलग लेवल का, ठीक है ना। तो 14 हम कर दिए हैं फॉलो को, ठीक है ना जान। एंड इतना करने बाद सिंपली देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आएगा फेस को जब भी हम स्मूथ करेंगे एंड आप लोग के सामने स्मूथ करके दिखाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जितना हो सके ना मेरी जान आप लोग अपने फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड आप लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं स्मूथ, यार ऐसे करेंगे भाई तो कहाँ से यार। देखिए जो भी हम लोग का चश्मा है गोगल है एंड हम लोग का जो भी एब्रो है एंड हेयर है तो भाई एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो आर्टिस्ट भाई क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना रहता है फोटो को जूम कर लेना रहता है जितना हो सके उतना जूम कर लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा पिम्पल्स है, ठीक है ना जान। तो कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके एंड साइज को हल्का सा बढ़ा लीजिएगा एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से प्यारा हल्के हाथों से प्यारा अपने प्यारे हाथों से हल्के हाथों से जब भी आप लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे एंड स्लो मोशन में, ठीक है ना, हल्के हाथों से एकदम प्यार से करना है, ठीक है ना। प्यार से जब आप लोग स्मूथ करेंगे ना तो बहुत ही धांसू स्मूथ होता है एंड बहुत ही मज़ा आता है फेस को स्मूथ करने में, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा डिफिकल्ट लगता होगा कि यार मुझसे तो फेस स्मूथ फुल एच डी हाई क्वालिटी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आर्डिक्स भाई है जो कर लेता है। तो आर्डिक्स भाई ये वाला आर्डिक्स भाई का वीडियो अगर आप लोग बिना स्किप किए फुल वॉच किए होंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना मेरी जान फुल एच डी हाई क्वालिटी स्मूथ
फोटो को बनाना सीख जाएंगे एंड सीख गए होंगे हद तक, आशा करते हैं मैं जान। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से फुल एच डी हाई क्वालिटी हम अपने फेस को स्मूथ कर रहे हैं एंड कहीं पे भी ना 1% भी ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहा है, आप लोग के सामने दिखा रहे हैं एंड वो भी लाइव प्रूफ। ठीक है ना जान, वीडियो में मैं आप लोग को बोल बोल करके सिखा रहा हूँ एंड वो भी अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से कोई यूट्यूबर नहीं आप लोग को सिखाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बड़ा भाई एंड भगवान बराबर मानते हैं। ठीक है जान, तो सपोर्ट टू सपोर्ट। ठीक है ना जाने मन, एंड यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से बातों बातों में मैं अपने फेस को आधा स्मूथ करके दिखा दिया आप लोग के सामने। आशा करते हैं मेरे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फुल एच डी हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।